हाय, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं रैंक फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले लोग जानते हैं रैंक फार्मूले का एमएस एक्सेल में यूज कैसे करते हैं और किस लिए किया जाता है। जैसे देखिए, नाम से पता चलता है रैंक, मतलब जब भी हमको रैंक पता करना हो कि फर्स्ट रैंक किसका है, सेकेंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है, मीन्स पोजीशन पता करना हो, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वह करते हैं रैंक फार्मूले का। जैसा हमने एक एग्जांपल रखा इसका, एक हमने डाटा बनाया है और सपोज मान लीजिए हम अपने संस्था में एक रेस करा रहे हैं और इसमें इतने हमारे स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, जैसे रमेश, रोहन, महेश, नीतीश, ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इसमें भागीदारी ली। अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया है, रमेश ने जितने टाइम में दौड़ लगाया उनका टाइम लिख दिया है, रोहन ने जितने टाइम में दौड़ लगाया उनका टाइम लिख दिया है, नीतीश ने जितना टाइम लगाया उनका लिख दिया, मीन्स जो जितने टाइम में दौड़ा है उसका हमने टाइम ड्यूरेशन दे दिया। अब हमको यह पता करना है कि फर्स्ट पोजीशन किसका आया है, सेकेंड किसका आया है, थर्ड किसका आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमने रेस रखा था कि पड़ौना से लेकर सुभाष चौक जो सबसे कम समय में दौड़ेगा उसका रैंक देना 1, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3। तो मैंने जो जितने टाइम में दौड़ा है मैंने सबका टाइम ड्यूरेशन लिख दिया है। जैसे रमेश ने 1 मिनट 30 सेकेंड में दौड़े हैं, रोहन 1 मिनट 20 सेकंड में दौड़े हैं, मैंने सबका टाइमिंग यहाँ पे निर्धारित कर लिया कौन कितने टाइम में दौड़ा था। अब उसी के हिसाब से पोजीशन का पता करना है, पहले पे कौन आया है, दूसरे पे कौन आया है, तीसरे पे कौन आया है, तो उसके लिए हम एक्सेल में रैंक फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए कैसे करेंगे वह सीखते हैं। बहुत सिंपल है, जब भी पोजिशन ज्ञात करना है तो करेंगे इक्वल रैंक, इक्वल रैंक और ब्रेकेट को कर देंगे ओपन। अब जैसे इक्वल रैंक ब्रेकेट को ओपन किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया नंबर कामा रिफरेंस कामा ऑर्डर। तो हम लोग नंबर में वह नंबर सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमको निकालना है, तो हम कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे इसी में से, कर देंगे कामा। उसके बाद अगला है रिफरेंस, वो कौन सा रेफरेंस है जिसमें से आप निकालना चाहते हो, तो ऑल टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया और इसको F4 बटन दबा के फिक्स करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि बार बार वैल्यू हमारा चेंज ना हो, वहां फिक्स हो जाए, क्योंकि अगर ना फिक्स करें तो कई लोग 1 नंबर पे आ जाएंगे, कई लोग 2 पे आ जाएंगे, इसीलिए हम F4 बटन दबा के इसको फिक्स करेंगे, करेंगे कामा। और हमसे ऑर्डर पूछा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, तो आप बताइए यहाँ पे असेंडिंग सही रहेगा डिसेंडिंग, असेंडिंग, क्योंकि जो सबसे कम समय में दौड़ा उसको 1 देना है, तो करेंगे कामा, कर देंगे 1 और ब्रेकेट को कर देंगे 1 और इंटर। तो जैसे हमने किया यहाँ पे देखो रैंक आ गया 2, अब यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो देखो इसका 5 9 8 3 6 4 10 7 1 1 क्यों आया, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट 20 सेकेंड है। ये 2 क्यों आया, 1 मिनट 30 सेकेंड। ये 3 क्यों आया, 3 मिनट 12 सेकेंड। और यहाँ 4 क्यों आया, 3 मिनट 20 सेकेंड। ऐसे बढ़ता जाएगा और पोजीशन हमारा क्रिएट होता जाएगा। तो उस कंडीशन में रैंक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रैंकिंग पता कर सकते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं। अब होगा क्या, सपोज हम रैंक पता कर लिए, अब रैंक के हिसाब से हमको अवार्ड देना है, मीन्स मेडल देना है, कि जो फर्स्ट पे आएगा उसको हमको देना है गोल्ड, जो सेकेंड पे आएगा उसको देना है सिल्वर, और जो थर्ड पे आएगा उसको देना हमको बुक। ये हमने 3 कंडीशन दिया, फर्स्ट वाले को गोल्ड देना है, सेकेंड को सिल्वर देना है और थर्ड को हमको बुक देना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो चलिए इसका सोल्यूशन सभी लोगों को बना के दिखाई कॉपी में। अब हमको पोजीशन के हिसाब से निकालना है, 1 पे जो होगा उसको गोल्ड देना है, 2 पे सिल्वर और 3 पे करना बुक। तो इसको
निकालने के लिए बताया था कि जब भी कंडीशन के आधार पे कुछ देना हो उसके लिए लगाते क्या इक्वल इफ, मतलब इफ फंक्शन, तो लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट, तो सेलेक्ट करेंगे पोजीशन और इक्वल वन कामा वैल्यू इफ ट्रू, तो डबल वन कामा देंगे गुड, डबल होगा क्लोज, फिर से कामा, अब बताओ टू पे क्या देना हमको सिल्वर, तो वैल्यू इफ फाल्स में कुछ करना नहीं अभी लगाना, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट रैंक इक्वल टू कामा डबल वाले कामा वैल्यू टू में सिल्वर कामा, उसके बाद से वैल्यू इफ फाल्स, और वैल्यू इफ फाल्स में अभी फिर से हमको अभी इफ लगाना है ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट पोजीशन सेलेक्ट इक्वल थ्री कामा डबल यूनिट कामा चित्रे पे क्या था ना बुक कर देंगे यहाँ पे डबल यूनिट कामा पर ब्रैकेट पर और फिर से एक बार और अब कर देना कामा, ध्यान देना कामा कर देते हैं और अगला वैल्यू इफ फाल्स, तो वैल्यू इफ फाल्स में क्या देना है कुछ ऐसा हमको करना है, अब बस लास्ट में करेंगे ब्रैकेट बंद। हाँ यहाँ पे रिमाइंडर कमा दे देंगे लास्ट में, देता भी परमिशन भी हमको देता है, अगर कभी छूट भी जाता है तो यहाँ पे मैसेज दे देता है। अब देखो करेंगे क्या, अब देखो मैंने यहाँ से इस सीट को यहाँ पे बंद किया और सबसे फर्स्ट वाले को भी और यहाँ से, मतलब तीन बार ही ओपन किया तीन बार क्लोज करेंगे, इतना गर्मी है कि ऊपर क्या आ गया सिल्वर और ड्रैग एंड ड्रॉप, सिल्वर गोल्ड या नो मेडल यहाँ पे बुक आ गया सबका। तो ऐसे हम लोग एक बार में आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, और एक कंडीशन हम पहले पढ़ा चुके हैं दो दो बार मार्कशीट में पढ़ाए हैं, स्टेटस निकालना डिवीजन निकालना सेम यही कंडीशन है, कल भी नहीं शनिवार को पढ़ाए, कल नहीं परसों बताया था ना, कल छुट्टी था हाँ बृहस्पतिवार को बताए थे क्या सेम ही कंडीशन बताए थे, डिस्काउंट देना 10% 20% यही फार्मूला हमने लगाया था, तो आप लोग निकाल ले जाओगे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल ये भी लिख लो आप लोग नीचे ध्यान दीजिएगा, सपोज अगर मान लीजिए अगर नंबर की बात की जाए और उसके हिसाब से हमको रैंक निकालना हो तो वह कैसे निकालेंगे यह देखने वाले, इसके लिए सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं और करते हैं इक्वल रैंक ब्रैकेट को ओपन, पहले पूछा नंबर तो नंबर में वह नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमको निकालना है, तो किसी एक नंबर को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे कामा, उसके बाद से रिफरेंस मतलब टोटल नंबर जो भी है सारा सेलेक्ट कर लेंगे एक बार और ये फोर बटन दबा के कर देंगे फिक्स कामा, असेंडिंग आसार या डिसेंडिंग आ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किए कामा लगाए हैं, फिर से रिफरेंस सेलेक्ट किए कामा लगाए हैं, कहा नहीं दोनों जगह लगाए हाँ रिफरेंस पूरा सेलेक्ट करके तब कामा लगाए और उसके बाद से डिसेंडिंग या असेंडिंग यहाँ पर नंबर के हिसाब से चेक करना है सबसे हाईएस्ट के हिसाब से ले चलना है उसी लिए जीरो करेंगे और ब्रेक कर देंगे क्लोज इंटर। अब देखिए 95 है पोजीशन टू, 98 है वन, ऐसे के करके निकल के चला ठीक है ना, बस ऐसे अवार्ड निकाल जो भी निकालना है पोजीशन क्या है क्या देना आपको फर्स्ट किसको करना सेकेंड किसको करना आपके ऊपर है दे सकते हो जाएगा ना, सेम वही प्रोसेस है बस फॉर्मूले को लिख लीजिए ऐसे। इक्वल आ गया तो लाइन
रैंक, पहला है नंबर, कामा डिफरेंस, कामा आर्डर, इक्वल रैंक, लिख लिए, लिखिए जल्दी से। जैसे हमने देखो यहां पे भी पोजीशन निकाल लिया और यहां भी पोजीशन निकाल लिया। अब मैं सोच रहा हूं कि फर्स्ट वाला सबसे ऊपर, सेकंड वाला उसके बाद, थर्ड वाले उसके बाद, मतलब बार बार देखो इधर उधर है, पहले दूसरा तब पहला तब तीसरा, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमको सिस्टमेटिक तरीके देखना है, सबसे पहले पहला आ जाए तब दूसरा तब तीसरा। तो क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन को सेलेक्ट कर लेंगे और पोजीशन को सेलेक्ट करने बाद से हम इसको सॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमने यहाँ पे कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम यहाँ से कर देंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन। अब देखो यह पूरा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, ये नंबर लेना, इसी के साथ पोजीशन सेट करना है। सॉर्ट ये नंबर नॉट 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 नॉट, ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाए इसलिए काम नहीं कर रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। क्यों था? ये नहीं ले रहा है, नंबर लेगा तो 1 2 3 कर। ध्यान देना, जैसे जब वो सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, इसीलिए पोजीशन जैसे चेंज हो रहा नहीं हो पा रहा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे ये पोजीशन सेट कर लेंगे, इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसका ये क्या कर लेंगे, हम लोग सॉर्टिंग कर लेंगे यहाँ पे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और कर देंगे यहां से सॉर्ट। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसमें फार्मूला लगाया ना, तो जब ऊपर नीचे हो रहा तो फार्मूला इधर उधर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने नंबर लिखा था, इसकी तरह सॉर्ट किया तो देखो पहले 1 मिनट 20 सेकंड वाला आ गया, तब 30, तब 3 12 20। तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गए, दिख रहा ना आपको, और सिस्टमेटिक तरीके सीरीज आ गए, हो जाएगा ना। मतलब हमने फार्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, आप लोग नंबर पे अप्लाई करके देखा। सेम ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, इस नंबर को सेलेक्ट करिए और कर दीजिए क्या, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कंटिन्यू, सेट हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा डाटा हो तो उसको सॉर्ट आसानी तरीके से कर सकते हैं। हाँ फार्मूला इसमें लगा लिए, इसलिए सॉर्टिंग सही से नहीं हो पा रहा है,
इस नंबर के हिसाब से किए तो जब यह नंबर चेंज होगा तो यह भी चेंज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जहां पे जाएगा उसका पोजीशन अपने आप चला जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमने वैसे ही अप्लाई किया। हो जाएगा बाबू? अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना पूछिए हमसे।